नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2022 के लिए, जिसका टेंडर आपका कल अभी जारी किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के द्वारा, अब इसमें यह बात कही जा रही है कि आपकी आयु गणना कब से होगी। आयु गणना के लिए अगर बात किया जाए, जैसे जो स्वाभाविक सी एक मांग बच्चों की चल रही है जब से कल टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, वो चीजें चल रही थी कि आप जो है आयु गणना में छूट दी जाए, क्योंकि जो जनरल वाले बच्चे होते हैं 18 से 22 जिनको सिर्फ आपकी जो है एज लिमिट मिलती है, वो सारे लोग मांग कर रहे थे कि हमें आयु में छूट दी जाए, क्योंकि 18 के बाद आपका 22 में सीधी वैकेंसी है, 4 साल का आपका गैप है और इसमें छूट की मांग की जा रही थी, उधर कोई भी आपकी वैकेंसी आई नहीं। तो अब यही बात उठ रही है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसमें आयु गणना कब से होगी उत्तर प्रदेश, क्योंकि अधिकतर आपके चैनल्स पर ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग आयु गणना को लेकर के आपका बता रहे कि कब से होगी, उनमें यही चीज कही जा रही है कि आपके किसी भी भर्ती में 2 चरण लिए जाते हैं, अगर वो शुरुआत के 6 महीने हैं और फिर अंतिम 6 महीने, तो शुरुआत के 6 महीने में जनवरी से होती है और अंतिम 6 महीने में जुलाई से होती है। इस बात में ईडब्ल्यूएस वाले अभी स्थित, इनकी भी संशय बरकरार है कि क्या हमें इस बार भी आयु में छूट दी जाएगी कि नहीं, तो ये तो गवर्नमेंट पर निर्भर है, विज्ञापन तक आपको रोकना पड़ेगा। और कुछ लोग इस बात को भी अभी जो है जिक्र कर रहे थे कि आज आप सारे लोग देख रहे हैं 3:30 बजे आचार जो है चुनाव आयोग की आपकी कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें उत्तर प्रदेश आपके चुनाव की घोषणा होनी है। अभी इस पर कुछ लोग बोल रहे कि विज्ञापन नहीं जारी होगा, कुछ नहीं हो सकता, तो अभी आपके कल जो आपके ELT की वैकेंसी को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें आयोग के सदस्यों ने ये बात कही है, जिनके दिमाग में ये चीजें हैं कि विज्ञापन कोई नहीं आ सकता है, तो आयोग के आपके सदस्यों ने ये बात कही है कल कि आपकी जो प्रक्रिया शासन के द्वारा शुरुआत कर दी गई है, उस प्रक्रिया पर आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आपकी नई कोई प्रक्रिया शुरुआत नहीं की जा सकती है, लेकिन जो आपकी प्रक्रिया जो है शासन ने शुरू कर रखा है, उस प्रक्रिया पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसके अनुसार तो ये विज्ञापन आपका, चूंकि टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसमें आपकी आगे की भी कार्यवाहियां शुरू रहेंगी, यानी आपका विज्ञापन भी आ जाएगा और जो चीजें होनी है वो भी हो जाएंगी। अब चुनाव की जो घोषणा होगी, हम बात करते हैं यहाँ एज काउंटिंग, तो इस बार के पद आपके 26,382 के लिए टेंडर निकाले गए हैं। हो सकता है इस बार NCC वालों को अभी तक अधिमानी अर्हता में ही काउंट किया जा रहा था, इस बार हो सकता है कि आपके NCC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको छूट भी मिल सकती है, ऐसा एक अनुमान है। ठीक है, अभी तक अधिमानी अर्हता होने पर उनको पहले वरीयता दी जाती थी। अब इसमें आयु गणना के लिए जो आपका सवाल बना है कि क्या इस बार हमें छूट मिलेगी कि नहीं, इसके लिए देखिए, जो लोग ये बता रहे हैं कि आप प्रथम, अगर 6 महीने की बात है, पहले चरण की बात है, उसमें आयु गणना 1 जनवरी से होगी, और अंतिम 6 महीने है तो उसमें आयु गणना आपकी जुलाई से होगी, इस बात पर आपकी स्थिति एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। और इसके लिए हमारे पास जो है प्रूफ है, वो चीज यही होती है कि हम विगत वर्ष में जो आपकी वैकेंसी आई है उनका अवलोकन करें। यहां पर आप देखें 2018 की आपकी 2 परीक्षाएं संपन्न की गई थी, एक आपकी वैकेंसी आई थी जिसमें 41,520 पद थे और यह 14 जनवरी से आपकी स्टार्ट हुई थी 2018। इसमें उम्र की गणना जो ली गई थी 1 जुलाई से ही ली गई थी, ठीक है, 1 जुलाई से ही उम्र की गणना की गई थी। और दूसरी वैकेंसी जो इसी में आपको देखने को मिली थी 49,568 पद, इसमें भी 19 नवंबर 2018 से शुरू हुआ था सारा का इसका मामला, इसमें भी आपकी ये काउंटिंग 1 जुलाई 2018 से ही हुई थी, दोनों में 1 जुलाई से हुई थी, एक वैकेंसी जनवरी में आई और एक वैकेंसी आपकी नवंबर में आई, दोनों में आपकी 1 जुलाई आधार रखा गया। तो अब आपके दिमाग में जो चीजें बनी है, ये जो वैकेंसी आई है आपकी 2022 वाली, इसमें भी जो आपको आयु गणना होगी वो आयु गणना 1 जुलाई 2022 से ही ली जानी चाहिए, 2022 से ही होगी। तो जिनकी आपकी उम्र हो चुकी है, उम्र अभी बाकी है, ठीक है, वो सारे कैंडिडेट्स लग जाएं, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी दें और संस्थान के द्वारा जो बैच चलाया जा रहा है उस बैच से आप जुड़िए, जहां आपको कंप्लीट सभी की नोट्स, आपको लाइव वीडियो क्लासेज, टेस्ट सीरीज सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है नाम मात्र के शुल्क में, और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे दीजिए। सारे लोग लगे रहिए, क्योंकि कल जैसा आयोग के लोगों के द्वारा बताया गया है, वो चीजें अगर लागू होती हैं तो विज्ञापन भी आएगा और आगे की प्रक्रिया भी आपकी बढ़ती रहेगी। और उम्मीद आप सभी के लिए, भविष्य के लिए, यही मैं भी चाहता हूं एक शिक्षक के तौर पर, एक
संस्थान के तौर पर कि आप सारे लोग जिस भविष्य के लिए अड़े हुए हैं, गवर्नमेंट अब वैकेंसियां दे रही, वो भविष्य आपका एक बेहतर हो जाए, क्योंकि हर एक सरकारों का यही नजरिया होता है कि चुनाव तक तो कुछ नहीं, चुनाव आने से पहले फिर आप भारतीयों की रेलमठेल कर दें, और वो तरीका बस लुभावने वाला है। बहरहाल जहां तक उम्मीद है, ये वैकेंसी आपकी आ जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है, और आगे भी आपकी चीजें बढ़नी चाहिए। आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे दें, जिनका जिनकी उम्र है, संस्था के द्वारा चलाए गए रहे कोर्स से जुड़ जाए, और आपके अन्य मित्रगण हैं उन तक भी यह वीडियो जरूर पहुंचाते हैं जो आपके आयु को लेकर के विशेष तौर पर उहापोह की स्थिति में बने हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं।